अगर आपके हैं कई बैंक अकाउंट्स, तो हो जाइए सावधान। मिनिमम बैलेंस नहीं तो बैंक लगाएगा जुर्माना। 1 अप्रैल से लागू होगा ये नियम। जी हाँ, देश भर में नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने बैंकों को अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बस शर्त है कि जुर्माना रीजनेबल होना चाहिए। यानी अब बैंक सर्विस देने की एवरेज कॉस्ट के हिसाब से ही ग्राहकों से जुर्माना वसूला जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। संतोष कुमार की माने तो ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अगर बात देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की करें, तो मेट्रो सिटीज में SBI अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5,000 रूपए बैलेंस रखना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र में ये लिमिट 3,000 और सेमी शहरी क्षेत्र में 2,000 रूपए तक की लिमिट रखी गयी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक के ATM से अगर दूसरे बैंक के ग्राहक पैसा निकालते हैं, तो महीने में सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन फ्री होगी और 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगेगा। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और आपके खाते में 25,000 से ज्यादा हैं, तो उस पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन महीने में 5 से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 10 रूपए का शुल्क लगेगा। तो साफ है कि अब स्टेट बैंक की सभी सुविधाओं के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।